इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क में बढ़ते मजहबी तशद्दुद के मद्देनजर भारत के इल्मी समाजी सोच और फिक्र के दानिशों ने समाजवादी समागम भारत जोड़ो संविधान बचाओ की तहरीक छेड़ी है। यह तहरीक के तहत मुल्क भर में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के मद्देनजर 30 जनवरी से 17 मई तक मुल्क भर में अहम शहरों में इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं, लोगों में बेदारी लाई जा रही है। महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर बेलगाम शहर में भी बरोज 20 फरवरी को यह बेदारी मुहिम के तहत इजलास मुनक्किद किया जा रहा है और इस वक्त मशहूर आंदोलनकारी मोहतरमा मेगा पाटकर तशरीफ ला रही है। आज इसी इजलास के मद्देनजर भारत जोड़ो संविधान बचाओ तहरीक कर्नाटक के जिम्मेदार अरविंद दलवाई ने मिलन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी तफसीलात पेश की। इन्होंने बताया कि भारत अब एक सख्त दौर से गुजर रहा है, लिहाजा मरकजी हुकूमत ने जिन NRC, CAA और NPR जैसे काला कानूनों को नाफिज करने का इकदाम कर रही है, इसे रोकना जरूरी होगा। कल 130 करोड़ जनता परेशान हो जाएगी, लिहाजा हमें अब बेदार होने की जरूरत है। देश के समाजवादी सोच और फिक्र के लोगों ने यह आजम उठाया है। बेलगाम शहर जिला के सिटीजनशिप अवेयरनेस फोरम का भी कयाम अमल में लाया गया, ऐसा उन्होंने बताया। अवामी बेदारी मुहिम के तहत बेलगाम जिला के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में काम को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने 1924 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन में शिरकत फरमाई थी, इसकी याद दिलाते हुए मेहमानों की जानिब से महात्मा गांधी पर फूल चढ़ाए जाएंगे, ऐसा भी बताया। इस वक्त मेगा पाटकर सहित उन लोगों को भी मधु किया गया है जिन्होंने जंग आज़ादी में शिरकत की थी। देश में इत्तेहाद इत्तफाक को कायम रखने की इस तहरीक में दिगर मेहमानान में अरुण कुमार श्रीवास्तव, बीजी पारिक, सुनीलम गणेश देवी, हरभजन सिंह सिद्धू, प्रोफेसर राजकुमार सिंह जैन, प्रोफेसर आनंद कुमार, सुबोध कांत सहाय यह पहले इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं। 30 जनवरी से दिल्ली के राजघाट से अवामी बेदारी मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी समागम कर्नाटक जिम्मेदार अरविंद दलवाई ने मुख्तलिफ समाज के जिम्मेदारों से भी सलाह मशवरा किया। बरोज 20 फरवरी को कुमार गंदर हॉल में 11:30 बजे इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें देश के नफरत के माहौल को किस तरह से तब्दील किया जाए इस पर मेगा पाटकर और दिगर जिम्मेदारान अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। NRC CAA को लेकर मुस्लिम माशरे की जानिब से जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी इसमें शिरकत फरमाई थी। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जो कि गांधी जी की 150वीं पर एनिवर्सरी पर एक सोशलिस्ट ग्रुप बेलगाम को आ रहा है, इसी के संदर्भ में एक प्रोग्राम 20 तारीख को रखा जा रहा है और उसी के संदर्भ में आज की प्रेस मीट रखी गई है। और आज की इस प्रेस मीट के लिए मैं आप तमाम प्रेस के लोगों का स्वागत करता हूँ और आप सबको वेलकम करता हूँ। अपने दो समाजवादी विचार यात्रा जनवरी 30 तारीख को नवदेहलिय राजघाट महात्मा गांधी जीवर समाधि ಭಾರತ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಯಾತ್ರಾ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಮಾಗಮ ಆಂದೋಲನದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕರು ಜನವರಿ 30 ತಾರೀಕು ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕರು ಬೈ ರೋಡ್ ಬೈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಾಹನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗರಿಕರ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಫೋರಂ ನಾವು ಆಗಲೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಭೆ, ರ್ಯಾಲಿ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.